हेलो, दिस इज कुमार चंदन। वेलकम टू स्टॉक फिक्सर्स। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऑप्शन चेन एनालिसिस कैसे करें। यह वीडियो वैल्यू पैक्ड होने वाला है, तो यह वीडियो पूरा देखें। आप अगर चैनल पर गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं। ऑप्शन चेन डेटा का खजाना होता है, जहाँ बहुत सारे इन्फॉर्मेशन छुपे होते हैं, और उन सब इन्फॉर्मेशन को अगर हम लोग पढ़ना सीख जाए तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड कैसा रह सकता है, मार्केट में कैसा सेंटिमेंट बन रहा है, मार्केट में किस तरह के पोजीशन बन रहे हैं और मार्केट कैसे किस तरफ जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें ऑप्शन चेन की ज़रूरत होती है, और जब एक बार इसे समझ जाते हैं तो फाइनली हम लोग क्या कर पाते हैं, एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाते हैं। हम लोग हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन के ऊपर। यहाँ देखेंगे आप, ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है, और इस ऑप्शन चेन को आप देखेंगे दो पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट में आपको यहाँ पर दिखेगा कॉल्स, दूसरे पार्ट में आपको यहाँ दिखेगा पुट्स, और बीच में ये स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे बना हुआ है। और इस कॉल साइड में आप देखेंगे बहुत सारे कॉलम बने हुए हैं, वाई चेंजिंग, वाई एलटीपी चेंज, और सेम कॉलम आपको पुट साइड में भी मिलेंगे। तो ये है आपका ऑप्शन चेन। अब टाइम है कि हम लोग इस पे रेसिस्टेंस फाइंड आउट करें। तो रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम चेक करें कि कहाँ पे कॉल साइड में अच्छे पोजीशन बने हुए, बड़े पोजीशन बने हुए हैं, वो हमारे लिए रेसिस्टेंस का काम करेंगे। जनरली हम लोग कंसिडर करेंगे इस ओआई कॉलम में जितने भी कॉल पोजीशन बने हुए हैं वो हमारे लिए राइटर्स हैं, ये हम लोग कंसिडर करके चलेंगे, और यही हमारे लिए रेसिस्टेंस को क्रिएट करेंगे और रेसिस्टेंस लेवल भी बताएंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखें, ये 5,37,000 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा, और 2,39,000 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट एडिशन आज देखने को मिला है। स्ट्राइक आपका 19,400 का, और इस स्ट्राइक पे सबसे ज़्यादा आपको ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे है, मींस ये सबसे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बना रहा है। इसके बाद यहाँ इस जगह आप देखेंगे तो 4,69,000 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे है, साथ ही आपका 3,26,000 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट आज जुड़ा हुआ है, तो ये भी एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो अगर हम लोग इन दो को कंपेयर करें, 19,400 और 19,350 को, तो इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर रेसिस्टेंस आपका 19,400 का है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके ओपन इंटरेस्ट खड़े हैं कॉल साइड में। इसके बाद इस पोजिशन को भी देखेंगे तो यहाँ करीब 3,72,000 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे है, और ये भी हमारे लिए रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो इन तीन लेवल्स को हम लोग मार्क कर लेंगे कि ये हमारे लिए मेन रेसिस्टेंस होने वाले हैं। कौन कौन से लेवल? 19,400 का, 19,350 और 19,300 के, ये तीन लेवल हमारे लिए रेसिस्टेंस के काम करेंगे। कैसे फाइंड आउट किया हम लोगों ने? ये ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे फाइंड आउट किया। क्या कंसिडर करके फाइंड आउट किया? कि यहाँ पे जितने भी पोजीशन बने हुए हैं वो सब के सब कॉल राइटर्स हैं। अब चलते हैं दूसरी तरफ और फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ आप देखेंगे, आपको इधर पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट का कॉलम दिख रहा है, और यहाँ पे जो आपको पोजीशन दिख रहा है उसको हम लोग कंसिडर करेंगे, ये पुट राइटर्स हैं और पुट राइटर्स हमारे लिए सपोर्ट क्रिएट करते हैं। ठीक, इस जगह आप देखेंगे कि 4,27,000 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, 2,14,000 लॉट्स का एडिशन है, स्ट्राइक है 19,200 का। तो ये जो लेवल है अभी फिलहाल हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है, और इसके ऊपर थोड़ा देखेंगे तो यहाँ पे 3,90,000 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, और ये भी हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। 19,250 का स्ट्राइक है, 19,250 का लेवल है, और इस स्ट्राइक को भी
आप देखेंगे 295,000 का स्ट्राइक यहाँ पे आप देखेंगे, तो 295,000 लॉट्स का ओपन ट्रेस आप देखेंगे, स्ट्राइक जो है आपका 19,300 का है। तो ये सब स्ट्राइक्स हमारे लिए आपका सपोर्ट का काम करेंगे। सपोर्ट कैसे फाइंड आउट किया हम लोगों ने, पुट साइड में कहाँ सबसे ज़्यादा ओपन ट्रेस बना हुआ है, और ये कंसिडर करके फाइंड आउट किया है कि वह सब के सब पुट राइटर्स हैं। इतना करने के बाद जो अगला चीज़ है हमें फाइंड आउट करना है ट्रेडिंग रेंज। तो देखिए ये ट्रेडिंग रेंज हमें फाइंड आउट करने के लिए ज़रूरी है कि मैक्सिमम स्ट्राइक के मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट वाला पुट स्ट्राइक फाइंड आउट कर ले, जिसे फाइंड आउट कर चुके हैं हम लोग, 19,200 का है, और मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट वाला कॉल स्ट्राइक फाइंड आउट कर ले जो है 19,400 का। तो ये दो स्ट्राइक को आप आइडेंटिफाई कर लीजिए और इन्हें मार्क कर लीजिए। ये दो स्ट्राइक के बीच का जो रेंज है ये हमारे लिए ट्रेडिंग रेंज है। ट्रेडिंग रेंज कहने का मतलब है कि निफ्टी इन्हीं रेंज के बीच में कुछ समय बिताएगा, मे बी आज पूरा दिन बिता दे, दो चार दिन बिता दे, तो ये रेंज के अंदर ही रहेगा, ये आपका ट्रेडिंग रेंज है। ऐसे ट्रेडिंग रेंज फाइंड आउट किया हम लोगों ने। ये जो पिवट स्ट्राइक है ये ट्रेडिंग रेंज के बीच में ही होता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्राइक है, और सबसे ज़्यादा ये एक्टिव यही स्ट्राइक होता है। तो और फाइंड आउट करने का कैसे करेंगे, तो देखिए फाइंड आउट करने का सिंपल तरीका है कि हम एक ऐसे स्ट्राइक को देखें जहाँ दोनों तरफ से कॉल साइड से भी और पुट साइड से भी काफ़ी अच्छा पोजीशन बनते हुए दिखाई पड़ रहा है। मतलब सिंपल है कि कॉल राइटर्स भी उसे छोड़ना नहीं चाहते उस लेवल को, और पुट राइटर्स भी उस लेवल को आसानी से नहीं छोड़ना चाहते हैं, वहाँ पे कुछ फाइट वहाँ पे दे रहे हैं। तो इस तरह से आप इस स्ट्राइक को देखेंगे, 19,300 के स्ट्राइक को कॉल साइड में आपको मिलेगा 372,000 के लॉट्स, और यहाँ आपको पुट साइड में मिलेगा 295,000 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में मिलेगा। तो यही स्ट्राइक है जो मोस्ट एक्टिव है, और दोनों तरफ से कॉल साइड पे भी काफ़ी अच्छा पोजीशन देखने को मिल रहा है और पुट साइड पे भी काफ़ी अच्छा पोजीशन देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट सिमिलर, ऑलमोस्ट इक्वल काइंड ऑफ यहाँ पे पोजीशन दोनों तरफ देखने को मिल रहा है। यह है हमारे लिए पिवट स्ट्राइक। और देखिए इम्पोर्टेंस क्या है पिवट स्ट्राइक का, इम्पोर्टेंस ये है कि इससे हम लोग ट्रेंड फाइंड आउट कर सकते हैं निफ्टी का या बैंक निफ्टी का, जिस स्क्रिप्ट को भी आप एनालाइज कर रहे हैं उसका। तो अगर निफ्टी इसके ऊपर टिकना शुरू होता है ये पॉजिटिव रहेगा, इसके ऊपर जब तक रहेगा 19,300 के ऊपर जब तक रहेगा, ऊपर के लेवल दिखाएगा, ये पॉजिटिव रहेगा हमारे लिए। और इसके नीचे अगर रुकना शुरू हो जाएगा तो जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे नेगेटिव की तरफ चेंज होती जाएगी। तो ये आपका एक ऐसा लेवल है जो आपको ट्रेंड भी आइडेंटिफाई कराता है। एक चीज़ ये है कि हम लोगों ने ये ट्रेंड फाइंड आउट किया। एक और तरीका से ट्रेंड फाइंड आउट करते हैं, आप इस चेंज को देखिए। अगर सिंपल है, यहाँ पे आपको नेगेटिव दिखेगा, यहाँ पे आपको नेगेटिव दिखेगा, मतलब रेड में दिखेगा, और इस चेंज इन ओआईओ कॉलम में आपको पॉजिटिव दिखेगा, तो यह है कि यहाँ पे पुट राइटिंग चल रही है, पुट राइटिंग चल रही है, पुट राइटिंग मतलब सपोर्ट, लेकिन मतलब यहाँ पे पुट सेलर्स हैं। लेकिन अगर आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगा कि यहाँ पे देखिए ये सब ग्रीन है, ये जो इम्पोर्टेंट स्ट्राइक्स है ये देखिए, इन सब स्ट्राइक्स को आप देखिए, जो पिवट स्ट्राइक के आसपास के स्ट्राइक है वहाँ ग्रीन है, और ये जो स्ट्राइक है यहाँ चेंज इन ओआईओ में देखिए ये पॉजिटिव है, ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे पुट राइटिंग नहीं पुट बाइंग चल रही है। मतलब ये थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहा है ये चेंज। दूसरी तरफ भी हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, अगर यहाँ पे आपको रेड दिखेगा और इधर पॉजिटिव दिखेगा चेंज इन वाई में, मींस यहाँ पे कॉल राइटिंग चल रही है, मतलब कॉल राइटिंग चल रही है, तो ये नेगेटिव की तरफ ट्रेंड बन रहा है। देखिए ये दूर है, हालांकि ये ट्रेंड में कंसिडर नहीं होगा, लेकिन बताने के लिए अगर ये ग्रीन है
और यहाँ पॉजिटिव है मीन्स यहाँ पे कॉल बैंक चल रही है, तो ये हमारे कंसिडरेशन से काफ़ी दूर है, उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन ये एक तरीका है। तो जो भी हम लोग को ट्रेंड फाइंड आउट करना है वो पिवट स्ट्राइक के आसपास या जो हमारे ट्रेडिंग रेंज में है उन सब स्ट्राइक को ही चेक करेंगे और वहाँ देखेंगे कि पुट बैंक चल रहा है, कॉल बैंक चल रहा है, कॉल राइटिंग चल रही है, पुट राइटिंग चल रही है, क्या चल रहा है, इसके बेसिस पे हम लोग ट्रेंड फाइंड आउट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं ट्रेंड फाइंड आउट करने के ऑप्शन चेन के हिसाब से। अगर आपको इस पर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताइए कि ये वीडियो मैं बनाऊं, अगर आपको चाहिए तो कमेंट करिए कि सर इस पर डिटेल वीडियो बनाइए, मैं इस पर एक वीडियो लेके चलाऊंगा।